Hello everyone, today is my topic conditional formatting my data bars, icon and color scale rules. So let's start. हमने अभी तक क्या किया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके दो रूल्स अप्लाई किए थे. एक तो था आपके पास हाईलाइट सेल रूल्स, सेकंड था आपके पास टॉप बॉटम रूल्स. अब थर्ड जो हम कर रहे हैं वो है डेटा बार्स. डेटा बार्स क्या होता है कि अगर आपको आपके कोई भी वैल्यू है उस पर अगर कलर लगाना है तो उसके लिए हम डेटा बार्स वगैरह यूज करते हैं. तो आप डेटा बार्स में जाके यहाँ पे एक होता है ग्रेडियंट फिल और एक होता है स्वेल फिल कलर. तो आप ग्रेडियंट फिल कलर में जाके, ग्रेडियंट क्या होता है जैसे जिसमें वन मोर कलर यूज आप यूज कर सकते हो, जैसे स्वेल्ड फिल में होता है सिर्फ वन कलर के लिए यूज किया जाता है. तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे कलर भी फिल होके आ जाएगा. इसमें ऐसा होता है कि जो जितनी बड़ी वैल्यूज होंगी उसको उतना कलर देगा और जितना वैल्यू कम होंगे उतनी वैल्यूज में कलर कम शो होगा. तो इसलिए आप इसको सिलेक्ट करके सेकेंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप यहाँ से इसको क्लियर भी कर सकते हैं. अब सेकंड वे की अगर मुझे इनमें कलर अलग अलग यूज करना है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके सेम प्रोसेस है, डेटा बार्स में जाके ग्रेडियंट कलर लो या सोइल फिल. इसमें मोर रूल्स में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको कलर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है डेटा बार्स में जाके थ्री कलर स्केल्स. अगर आप चाहते हो कि मुझे जो लोएस्ट वैल्यू है उसकी कलर कैसा देना है उस पर, तो आप यहाँ से जाके उसको कलर दे सकते हो. मैंने सपोज रेड दे दिया. सेकेंड, अगर आपको उसका मिड पॉइंट का कलर देना चाहती हूँ तो मैंने मिड पॉइंट का स्काई ब्लू, एंड देन लास्ट जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका मैंने कलर यहाँ पे दे दिया डार्क ब्लू. तो ये तीनों कलर आ गया. जैसे ही ओके करोगे तो ये तीनों कलर का मिक्सअप होगा. जो जितनी जितनी बड़ी वैल्यू होंगी हाईएस्ट में उनको ब्लू होगा और जिनके लोवेस्ट होंगे उनको रेड होंगे. तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो डेटा बार्स के लिए. सेकेंड जो हमारे पास ऑप्शन है वह है कलर स्केल. कलर स्केल में भी सेम ऑप्शन है कि अगर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ कलर स्केल्स में जाके आप कलर स्केल्स भी दे सकते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन है कि जैसे आप कलर क्लिक करोगे तो जितने हाई टॉप पे कलर होंगे उतने कलर आपको हाइट कलर पे देगा. अगर आपको इसको मोर रूल्स पे जाके अगर चेंज करना है कलर, लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू को कलर देना है, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो. जैसे मैंने इसको रेड दे दिया और देन ये देन ओके. तो इस तरीके से भी आप इसको चेंजेस कर सकते हो. तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप डेटा बार्स भी यूज कर सकते हो और डेटा कलर भी यूज कर सकते हो. लास्ट टॉप का आपका है आइकन सेट. आइकन सेट में जाके भी आप आइकन लगा सकते हो जिस तरीके से आपको यूज करना है. आप यहाँ पे जाएंगे आइकन सेट में और यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं जैसे आपके डायरेक्शनल चाहिए या शेप्स में चाहिए या इंडिकेटर्स चाहिए, तो कुछ इस तरीके से रेटिंग टाइप चाहिए, या फिर मोर रूल्स में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको रेड लाइट के थ्रू दिखाना है उसमें कितनी के इसकी वैल्यू ज्यादा है उसके हिसाब से ये जैसे ओके करोगे उतने के हिसाब से इसको रेड एंड येल्लो दे देगा. तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कलर भी एंड आप डेटा बार्स एंड आइकन सेट्स भी यूज कर सकते हो. तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा बार्स, आइकन सेट और कलर स्केल्स.